हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मेंस हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस। इसकी वजह से एक पुरुष सब कुछ नॉर्मल होते हुए के बावजूद भी फिजिकल इंटरकोर्स के दौरान बहुत ही जल्दी उनमें एजुकुलेशन हो जाता है, जिस समस्या को मेडिकल टर्म में प्रीमेच्योर एजुकुलेशन बोलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पेनिस की हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं और कैसे आप इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, काफी सारे पुरुषों में जो पेनिस का टॉप मोस्ट यानी कि जो आगे वाला भाग होता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसकी वजह से फिजिकल इंटरकोर्स के दौरान छूने मात्र से या फिर वेजाइनल टच से उसमें तेज झंझनाहट महसूस होती है। कुछ लड़कों में शौक लगने जैसा लगता है या फिर काफी ज्यादा लड़कों में उसमें गुदगुदी होने जैसी शिकायत भी महसूस होती है और ये सभी पेनिस की हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण होते हैं। और पेनिस की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से फिजिकल इंटरकोर्स के दौरान एक मेल तुरंत ही एजुकुलेट हो जाता है और कई पुरुषों में एजुकुलेशन छूने मात्र से भी हो सकती है। और ऐसा ही जब एक पुरुष में हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से प्रीमेच्योर एजुकुलेशन बार बार होता है तो वो शर्मिंदगी के शिकार हो जाते हैं और इस समस्या को वो शर्मिंदगी की वजह से किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। अच्छे डॉक्टर के पास भी वो नहीं जाते हैं और रैंडमली किसी भी तरह की कोई मेडिसिन अगर उनको सजेस्ट कर दे तो वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ उनका टाइम और फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप इस पेनिस की हाइपर सेंसिटिविटी जैसी समस्या को पूरी तरीके से और परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। इसके लिए जो पेनिस का फोर स्किन होता है उसको डेली आपको अच्छे से खोलकर लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से पेनिस की फोर स्किन और ग्लांस की सफाई करनी है। कुछ देर आप फोर स्किन को पीछे ही रहने दें और ग्लांस जब सूख जाए तो उसको आप कॉटन के टॉवल से डैप ड्राई कर सकते हैं, जिससे उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे और उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं बने। और इसके बाद आपको प्योर वर्जिन कैस्टर ऑयल विथ नीम एक्सट्रैक्ट ऑयल लेनी है और इसको अच्छी तरीके से पेनिस की ग्लांस और फोर स्किन पे सर्कुलर मोशन में उस पे अप्लाई करना है। फोर स्किन और ग्लांस पे इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक ऐसे सर्कुलर वे में इस पे अप्लाई करते रहें। शुरुआती स्टेज में ऐसा करने से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से उसमें आपको गुदगुदी महसूस हो सकती है, उसमें झंझनाहट या फिर शॉक लगने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन डेली ऐसा 1 से 2 बार करने से उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या कम होने लगेगी और आपका पेनिस नॉर्मल सेंसिटिव होने लगता है। और यकीन मानिए कि रेगुलर ऐसा करने से महज 7 से 10 दिनों के बीच में ही आपका पेनिस का ग्लांस नॉर्मल सेंसिटिव होने लगेगा। हालांकि ऐसा आपको कैस्टर ऑयल विथ नीम एक्सट्रैक्ट ऑयल का फोर स्किन और ग्लांस के ऊपर एप्लीकेशन 20 से 30 दिनों तक करनी है। ऐसा करने से आपके पेनिस और ग्लांस का हाइपर सेंसिटिविटी का समस्या पूरी तरीके से और परमानेंटली क्योर हो जाता है। वैसे तो ये कैस्टर ऑयल विथ नीम एक्सट्रैक्ट ऑयल आपको मार्केट में इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लेने में परेशानी हो तो इसको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए यही सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है, क्योंकि किसी स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी को कोई मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर आपको पूरी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।